बसंत पंचमी का दिन था। दादी और मम्मी पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती का पूजन कर रहे थे। गट्टू चिंकी भी पूजा में शामिल थे। गट्टू चिंकी, माँ सरस्वती विद्या की देवता हैं। इन्हें पूजकर अच्छे से पढ़ोगे तो विद्वान बनोगे। दादी, आप हर त्योहार की कहानी सुनाते हो, तो बसंत पंचमी की भी कोई कहानी होगी ना? हाँ है। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, पेड़ पौधे, नदी तालाब, पंछी और जानवरों के साथ साथ इंसान बनाया, तो किसी को आवाज नहीं थी, सब शांत शांत था। मतलब सब कुछ म्यूट था? हाँ, तुम्हारी भाषा में कहे तो सब कुछ म्यूट था। ब्रह्मा जी को लगा कि ये क्या, बिना आवाज के तो मजा ही नहीं आ रहा, आवाज तो चाहिए। फिर उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया। तो क्या विष्णु जी ने सृष्टि को साउंड दिया? अरे सुनो तो, विष्णु जी आए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी दुविधा बताई। फिर विष्णु जी ने माता दुर्गा को याद किया। दुर्गा माता आई, उन्हें समस्या का पता चला, तो उनके शरीर से दिव्य तेज प्रकट हुआ और चार हाथों वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। ओ, अब हुई सरस्वती माँ की एंट्री। हाँ, सरस्वती माता प्रकट हुई तो उनके एक हाथ में थी वीणा, दो हाथ वर मुद्रा में थे, एक हाथ में माला थी और एक हाथ में पुस्तिका। सरस्वती माता ने वीणा बजाई और सृष्टि को आवाज प्राप्त हुई। चिड़िया किलबिलाने लगी, शेर दहाड़ने लगा और इंसान बोलने लगा। यह थी सरस्वती माता की कहानी। माना जाता है कि आज ही के दिन सरस्वती माता प्रकट हुई थी, इसलिए आज उनका पूजन होता है। मतलब आज सरस्वती माता का बर्थडे है? बिल्कुल ठीक। सरस्वती माता गायन, वादन, नृत्य और असंख्य कला विद्या जानती हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करोगे तो तुम भी कला विद्या से संपन्न बनोगे। दादी की बात खत्म होते ही मम्मी ने गट्टू चिंकी से कहा, गट्टू चिंकी, तुम्हारी किताबें और नोटबुक लेकर आओ, हम उनका भी पूजन करेंगे। गट्टू चिंकी अपने कमरे से किताबें और नोटबुक लेकर आए। अपने अपने शस्त्र लेकर आ गए? ये शस्त्र थोड़ी है, ये तो किताबें हैं। अरे, जिस चीज पर हम सबसे ज्यादा निर्भर होते हैं उसे शस्त्र ही तो कहा जाता है। जैसे सैनिक अपने बंदूक पर डिपेंड होते हैं, वैसे ही विद्यार्थी किताबों पर डिपेंड होते हैं। इसलिए किताब ही विद्यार्थी का शस्त्र है और उसे अपने शस्त्र का ख्याल रखना चाहिए। तभी दादी का ध्यान किताबों पर पड़ा। गट्टू चिंकी की किताबें फटी हुई थी। तुम दोनों अपनी किताबें जरा मुझे देना। तो गट्टू चिंकी ने किताबें दादी को दी और दादी ने पन्ने पलटकर देखे तो गट्टू चिंकी ने पेंसिल से किताब के चित्र बिगाड़ दिए थे। किसी औरत को मुच्छड़ बना दिया था तो किसी आदमी के लंबे बाल बनाए थे। किताबों की अवस्था देखकर दादी दुखी हो गई। ये सब क्या है गट्टू चिंकी, तुमने तो अपने शस्त्र खराब कर दिए। किताबें जितनी स्वच्छ और सुंदर, उतना ही उन्हें पढ़ने का मन करता है। किताबें खराब करोगे तो माता सरस्वती कैसे प्रसन्न होगी, तुम्हें विद्वान कैसे बनाएगी? और ये क्या, एक भी किताब को कवर नहीं है, इसलिए किताबें फट रही हैं। रात का वक्त था, दादी अपने कमरे में बैठकर माला जप रही थी। तभी गट्टू चिंकी अपनी किताबें लेकर दादी के कमरे में आए। दादी ने आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा तो चिंकी कहने लगी, ये देखिए दादी, हमने किताबों को कवर भी लगाई और सारे खराब चित्र दुरुस्त भी किए। दादी ने किताबें चेक की
तो सच में वह पहले से स्वच्छ और सुंदर लग रही थी। यह देखकर दादी खुश हो गई। ये हुई ना बात, आगे से किताबों का ऐसे ही ख्याल रखो। आज सरस्वती माता तुम पर प्रसन्न है, खूब पढ़ो लिखो और विद्या संपन्न बनो। फिर क्या था, गट्टू चिंकी ने दादी के पैरों पर माथा टेका और सरस्वती माता के साथ साथ दादी का भी आशीर्वाद लिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।